ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आपने जनता से अपील की है कि आदरणीय नेताजी को अच्छे वोटों से जिताएं। मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जन समूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। जहां तक देश की परिस्थितियों का सवाल है, मेरे से पूर्व में आदरणीय मायावती जी ने विस्तार से कहा है, हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं कि देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है। इस देश का कृषि और इस देश का किसान, इस देश की खेती और कृषक हमारे देश की आत्मा है। हमारे किसान भाई दुखी हैं, गांव में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ, हमारे किसानों की फसल की पैदावार की चोरी हो गई, जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। इन नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, इनकी नौकरी और रोजगार खत्म हो गया, इसलिए ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है, ये मां गठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार खत्म कर दिया, नोटबंदी जीएसटी ला करके व्यापार को अंधकार में डाल दिया, आज व्यापार नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की, इन सरकारें नहीं कर पाई हैं। वहीं आपको याद होगा अगर कभी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और तेजी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है तो सपा और बसपा ने मिलकर के इस जनता को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये मैनपुरी लोकसभा, इससे समाजवादियों का इतिहास जुड़ा है, ये समाजवादियों की विरासत का क्षेत्र है और जब नेताजी चुनाव लड़ रहे हो तो बताओ मैनपुरी के लोगों, देश की सबसे बड़ी जीतें जो हों उसमें नेताजी की जीत शामिल हो के ना हो। और जब आदरणीय मायावती जी भी निवेदन कर रही, अपील करके जा रही हैं,
तो हमें कहीं शक नहीं है देश की जो सबसे बड़ी जीत होगी वो मैनपुरी लोकसभा की नेताजी की होने जा रही है। ये जो दिल्ली का रास्ता आसान हुआ है मैनपुरी के लोगों आपके लिए, अब तो मैनपुरी के व्यापारी लोग जब जाना चाहते हैं मैनपुरी गाड़ी उठाते और एक्सप्रेस वे से चले जाते हैं। ये बताओ रास्ता आसान अगर दिल्ली का किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ऐसी सड़क दुनिया की दी है जिसमें आपका आसान सफर हो गया। दिल्ली करीब ला दी, सपा बसपा ने दिल्ली को करीब कर दिया, आपके पास दिल्ली पहुंचा दी। बताओ आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सपा बसपा और एलडी के लिए भी दिल्ली आप करीब ला दें। जहां तक विकास कार्य हैं, चाहे अस्पताल बने हो, चाहे सैनिक स्कूल बना हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो, चाहे 102, 108 और चाहे ये 100 नंबर वाली पुलिस, अगर किसी ने व्यवस्था दी है तो समाजवादियों ने दे करके दिखाई है। आज कानून व्यवस्था चौपट है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर को, ये 100 नंबर भी बर्बाद हो गई और वही बीमारी लग गई जिस बीमारी को हटाने के लिए 100 नंबर लागू करने का काम किया था। लोग तमाम बातें कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, चाय वाला बनकर के आए और न जाने कैसी चाय निकली। आज 5 साल बाद पता लगा कि चाय कैसी निकली और अब चौकीदार बनकर के आए हैं। और अगर ये बात जानते हो और अगर ये बात जान रहे हो आप तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। इसलिए जहां देश को बदलना है, न्याय और सम्मान दिलाना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मैं बहुत लंबा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर नेताजी के लिए आप सबसे अपील करता हुआ अपने किसान भाइयों से भी, नौजवान साथियों से भी, माताओं बहनों से भी कि कम से कम इस बार हमारा आपका काम ऐसा हो, इन किसानों का, इन नौजवान साथियों का किरदार ऐसा हो कि एक एक वोट साइकिल के पक्ष में चला जाए और जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है वहां भी हमारे तमाम साथी मिलकर के जिताएं। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद देता हुआ और आभार प्रकट करता हुआ कि आपने आकर के न केवल खुशी दी है मैनपुरी के लोगों को, साथ ही साथ आपने हर एक नेता और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। ये मनोबल ऐसा बड़ा है कि अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है और आपने ठीक पकड़ा, आपने एकदम ठीक पकड़ा, वो कागज में पिछड़े हैं, हम सब लोग जन्म से पिछड़े हैं, तो आपको फैसला लेना है कि आने वाले समय में किनके हाथ में सत्ता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेंगे तो ऐतिहासिक होंगे, जीत भी ऐतिहासिक होगी और जब परिणाम आएगा ऐतिहासिक होगा और देश का प्रधानमंत्री भी नया बनेगा। बहुत बहुत बधाई।